आवर बॉडी, हमारा शरीर. एवर वंडर्ड व्हाट गिव्स आवर बॉडी इट्स शेप, व्हाट हेल्प्स इट मूव, वेयर डज द फूड गो आफ्टर वी स्वॉलो इट, और व्हाट हेल्प्स अस टू थिंक? क्या आपने कभी आश्चर्य किया है कि क्या वो चीज है जो हमारी बॉडी को आकृति देती है अपनी? कौन सी ऐसी चीज है जो इसकी मदद करती है हिलने में, यानी कि चलने में या हिलने में? वेयर डज द फूड गो, खाना कहाँ जाता है? आफ्टर वी स्वॉलो इट, जब हम उसको निगलते हैं उसके बाद. व्हाट हेल्प्स अस और व्हाट हेल्प्स अस टू थिंक, या हमको सोचने में क्या चीज़ मदद करती है? आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट्स. हमारी बॉडी बनी हुई है बहुत से बाहरी और अंदरूनी भागों से. ऑल दीज पार्ट्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस. ये सारे भाग अलग अलग कार्य करते हैं. बोन्स, हड्डियाँ. कैन यू फील समथिंग हार्ड इन योर लेग? क्या आप अपने पैर में कोई कठोर चीज़ महसूस कर सकते हैं? इन योर हैंड और इन योर हेड, अपने हाथ में या अपने सिर में? द हार्ड पार्ट्स दैट यू कैन फील एट डिफरेंट प्लेसेस इन योर बॉडी आर द बोन्स. जो कठोर पार्ट आप फील कर सकते हैं अलग अलग जगहों पे अपनी बॉडी में, वो बोन्स हैं. बोन्स यानी हड्डियाँ. वी कैनॉट सी द बोन्स बिकॉज आर स्किन कवर्स देम. हम बोन्स को नहीं देख सकते क्योंकि हमारी त्वचा उनको ढक लेती है. बोन्स कैन बी लॉन्ग. बोन्स लंबे हो सकते हैं, हड्डियाँ लंबी हो सकती हैं. शॉर्ट, छोटी हो सकती हैं. फ्लैट, चपटी हो सकती हैं. और इरेगुलर या अनियमित साइज की हो सकती हैं या अनियमित शेप की हो सकती हैं. बोन्स गिव आर बॉडी शेप. बोन्स हमारी बॉडी को शेप देते हैं एंड सपोर्ट और सहारा देते हैं. इन सम प्लेसेस इन आवर बॉडी देयर आर जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स. कुछ जगहों पे हमारी बॉडी में बोन्स के बीच में जॉइंट्स हैं, जुड़ाव हैं. दीज हेल्प अस टू मूव एंड बेंड. ये हमारी मदद करते हैं चलने में और मुड़ने में. दे वर्क लाइक हिंजेस ऑफ ए डोर. ये दरवाजे के हिंजेस यानी कि जो कब्जे का काम करते हैं. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस. बॉल एंड सॉकेट टाइप के जो जोड़ हैं ये हर दिशा में मूव कर सकते हैं, हिल सकते हैं. द हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स आर सम एग्जांपल्स. हिप का जॉइंट यानी पैर का जो ऊपर का भाग होता है, और शोल्डर के जॉइंट्स कुछ उदाहरण हैं. द बोन्स जॉइन टू फॉर्म द स्केलेटन. बोन्स आपस में जुड़ जाते हैं स्केलेटन बनाते हुए, यानी हड्डी का ढांचा बनाते हुए. द स्केलेटन इज अ बोनी केज. हड्डी का ढांचा बोन्स का एक पिंजड़ा है. दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स इन आवर बॉडी. जो बचा के रखता है अंदरूनी ऑर्गन्स को हमारी बॉडी में. द फीमर और द थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी. फीमर या थाई का जो बोन है वो सबसे लंबा बोन होता है हमारे बॉडी में. बोन्स ऑफ द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन. स्कल्स के बोन्स यानी कि सिर के जो खोपड़ी के जो बोन्स हैं वो हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करते हैं. द बैक बोन्स और द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम जिसको बोलते हैं, वो उसके अंदर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं. दैट कनेक्ट्स द बॉडी टू द ब्रेन. और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बॉडी को, जो बॉडी को ब्रेन से कनेक्ट करती है, जोड़ती है. द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स.
जो हड्डियों का जो पिंजरा है छाती का, वो हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को, दिल को और हमारे फेफड़ों को प्रोटेक्ट करता है। बोन्स स्टोर सेवरल मिनरल्स एसेंशियल फॉर द बॉडी। बोन्स स्टोर करते हैं कई सारे मिनरल्स यानी खनिज जो कि जरूरी हैं हमारे बॉडी के लिए, स्पेशली कैल्शियम, खास तौर पे कैल्शियम एंड फास्फोरस और फास्फोरस। वी शुड टेक मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स फॉर स्ट्रांग बोन्स। हमें दूध लेना चाहिए और दूसरे डेयरी के उत्पाद लेने चाहिए मजबूत हड्डियों के लिए। मसल्स, मांसपेशियां। मसल्स, वी हैव मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे पास 600 से ज़्यादा मांसपेशियां हैं हमारी बॉडी में। मसल्स आर अटैच टू बोन्स। मांसपेशियां बोन से जुड़ी हैं एंड हेल्प देम टू मूव, और उनको चलने में मदद करती हैं। द बोन्स कैनॉट मूव बाय देमसेल्व्स। हड्डियाँ अपने आप से नहीं हिल सकती, दे हैव टू बी पुल्ड बाय द मसल्स। उनको मांसपेशियों के द्वारा खींचा जाना ज़रूरी होता है। मसल्स ऑफ द लेग्स एंड आर्म्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ वॉलंट्री मसल्स। पैर और बाजुओं के जो मांसपेशियां हैं उदाहरण है वॉलंट्री मसल्स। वॉलंट्री मसल्स यानी कि जिनको हम खुद मूव कर सकते हैं। वी कैन कंट्रोल दीज ऑन आर ओन। हम इनको नियंत्रित कर सकते हैं अपने स्वयं से विद द हेल्प ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की मदद से। सम मसल्स लाइक दोज ऑफ द हार्ट, कुछ मांसपेशियां जैसे कि हार्ट वाली वर्क ऑन देयर ओन, अपने आप कार्य करती हैं, उनको हम कुछ नहीं कर सकते। विदाउट अस थिंकिंग अबाउट देम, बिना हमारे उनके बारे में सोचे एट ऑल, बिल्कुल भी। दे आर इनवॉलंट्री मसल्स। वो इनवॉलंट्री मसल्स यानी हमारे कंट्रोल में, हमारे नियंत्रण में वो नहीं है, वो अपने आप कार्य करती हैं। मसल्स हेल्प अस टू ओपन एंड शट आर आइज। मसल्स हमारी मदद करती हैं हमारी आंखें खोलने और बंद करने के लिए, स्माइल और फ्राउन, मुस्काने के लिए या गुस्सा वाला चेहरा बनाने के लिए, स्वॉलो और फूड, हमारे खाने को निगलने के लिए, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, सांस अंदर और बाहर लेने के लिए, एंड डू मच मोर, और भी ज़्यादा बहुत कुछ करने के लिए। यू नीड स्ट्रांग मसल्स टू बी ए गुड स्पोर्ट्स पर्सन। आपको मजबूत मांसपेशियाँ चाहिए एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होने के लिए। लंग्स आर द ऑर्गन्स। लंग्स, लंग्स मतलब फेफड़े। लंग्स वो ऑर्गन्स हैं दैट हेल्प अस टू ब्रीथ, जो हमारी मदद करते हैं सांस लेने में। दे आर लोकेटेड इन द चेस्ट। वे छाती में पाए जाते हैं, इनसाइड द रिब केज, हड्डियों के पिंजड़े के अंदर। आवर लंग्स आर लाइक टू बैग्स। हमारे फेफड़े दो बैगों की तरह होते हैं, इनसाइड आर चेस्ट, हमारे छाती के अंदर। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस अंदर लेते हैं, वी टेक इन एयर थ्रू आर नोज, हम हवा को अपने नाक से अंदर लेते हैं। दिस एयर गोज डाउन द विंड पाइप। ये हवा सांस की नली से अंदर जाती है, सांस की पाइप से, हवा वाली पाइप से अंदर जाती है एंड रीचेज द लंग्स, और फेफड़ों में पहुँच जाती है। The lungs fill up with air, भर जाते हैं हवा से। So the chest goes out or expands, जिससे कि छाती जो है बाहर की तरफ निकलती है और एक्सपैंड करती है, यानी कि बढ़ जाती है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन हवा से हमारे ब्लड में जाती है, गोज़ इनटू आवर ब्लड। व्हेन वी ब्रीद आउट, जब हम सांस बाहर निकालते हैं, द डर्टी और वेस्ट एयर, जो गंदी या बेकार की जो हवा होती है, गोज़ आउट ऑफ आवर लंग्स, हमारे लंग से बाहर चली आती है, हमारे फेफड़ों से बाहर चली आती है। इट ट्रैवल्स अप द विंड पाइप, ये विंड पाइप में ऊपर यात्रा करती है, एंड कम्स आउट ऑफ द नोज़, और नाक से बाहर निकल आती है। द चेस्ट गोज़ इन और कॉन्ट्रैक्ट्स।
छाती अंदर चली जाती है या सिकुड़ जाती है। वी ब्रीद इन मोर एयर, हम सांस लेते हैं और भी ज़्यादा हवा की। वेन वी रन और एक्सरसाइज, जब हम भागते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं, एक्सरसाइज यानी कसरत। दिस इज़ बिकॉज, और ये इसलिए होता है, द बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन, बॉडी को ज़रूरत होती है और ज़्यादा ऑक्सीजन की। वेन इट इज़ वर्किंग हार्ड, जब वो कड़ी मेहनत कर रही होती है। वी गेट ऑक्सीजन बाय ब्रीदिंग फास्टर, हमें ऑक्सीजन मिलती है और तेज सांस लेकर। एक्सरसाइजेज लाइक साइकिलिंग, स्विमिंग एंड रनिंग मेक आर लंग्स स्ट्रॉन्गर, ऐसी एक्सरसाइजेज जैसे कि साइकिल चलाना, तैरना और भागना हमारे फेफड़ों को और मजबूत बना देते हैं। ब्रेन, द ब्रेन इज इनसाइड आवर हेड, ब्रेन हमारे सिर के अंदर होता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, ये खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित होता है। इट इज़ जॉइंट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी बाय द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये बाकी बॉडी से जुड़ा होता है, स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व्स से। द ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक, ब्रेन हमारी मदद करता है सोचने में, एंड रिमेंबर थिंग्स, और चीज़ों को याद रखने में। इट हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, ये हमारी मदद करता है हमारे सोच विचार को अभिव्यक्त करने में, एंड फीलिंग्स और भावनाओं को अभिव्यक्त करने में। इट ऑल्सो कंट्रोल्स आवर सेंस ऑर्गन्स, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स को, यानी कि हमारी इंद्रियों को भी कंट्रोल करता है। इन शॉर्ट इट इज़ द मास्टर ऑर्गन, शॉर्ट में ये मास्टर ऑर्गन है, विच कंट्रोल्स ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो बाकी सब भागों को बॉडी के कंट्रोल करता है। मैसेजेस ट्रैवल टू एंड फ्रो फ्रॉम द ब्रेन थ्रू आवर नर्व्स, मैसेजेस ट्रैवल करते हैं हमारे ब्रेन को, और वहाँ से ब्रेन से अब नर्व्स के माध्यम से। नर्व्स आर लाइक टेलीफोन वायर्स, नर्व्स टेलीफोन की तारों की तरह होती हैं, दैट कैरी द मैसेजेस, जो कि मैसेजेस लेके जाती हैं। इस मामले में कि वो मैसेजेस लेके जाती हैं, वो टेलीफोन की तारों की तरह होती हैं। सो इफ़ वी टच समथिंग हॉट, हम कोई भी चीज़ अगर गर्म छुएं, आवर ब्रेन टेल्स आवर हैंड, हमारा ब्रेन हमारे हाथ को बताता है टू मूव अवे, कि दूर हो जाओ फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, उस वस्तु से। व्हेन वी मीट समवन, जब हम किसी से मिलते हैं, वी नो, हम जानते हैं, आवर ब्रेन टेल्स अस टू स्माइल, हमारा ब्रेन हमें कहता है स्माइल करने के लिए, एंड से हेलो, और हेलो कहने के लिए। स्टमक, पेट, वी चू फूड विद आवर टीथ, हम अपने दांतों से खाना चबाते हैं। चूइंग सॉफ्टन्स द फूड, चबाना खाने को सॉफ्ट कर देता है, कोमल कर देता है। द फूड देन गोज डाउन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप, तब खाना स्टमक में नीचे जाता है फूड पाइप में से। द स्टमक इज अ मस्क्यूलर इलास्टिक, स्टमक जो है एक मांसपेशियों का बना इलास्टिक पियर शेप्ड, यानी बेर के शेप का एक बैग होता है। इट चर्न्स द फूड एंड मेक्स इट इनटू अ पेस्ट, ये खाने को घुमाता है और एक पेस्ट बना देता है, पेस्ट में परिवर्तित कर देता है। द सेमी डाइजेस्टेड फूड इज पुश्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट किया हुआ खाना छोटी आंत में पुश कर दिया जाता है, एंड फाइनली इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और आखिर में वो बड़ी आंत में पुश कर दिया जाता है। द ब्लड अब्सॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड, खून फूड में से, खाने में से जो पोषक पदार्थ हैं उनको अब्सॉर्ब कर लेता है, यानी कि उसको सोख लेता है। फ्रॉम बोथ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइंस, दोनों में से, छोटी और बड़ी आंत में से। द हार्ट इज़ ए फिस्ट साइज्ड मस्कुलर ऑर्गन, हार्ट जो है वो एक मुट्ठी की साइज़ का मांसपेशी का ऑर्गन होता है। इट लाइज बिलो द लेफ्ट लंग एंड इज़ प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज, ये बाएं फेफड़े के नीचे होता है और हड्डियों के पिंजड़े से कवर्ड रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, बचा रहता है। नाउ वी नो वाई द लेफ्ट लंग इज़ स्मॉलर, अब हम जानते हैं कि बाएं फेफड़ा क्यों छोटा होता है। इट मेक्स स्पेस फॉर द हार्ट, वो हार्ट के लिए जगह बनाता है। आर हार्ट बीट्स ऑल द टाइम,
हमारा दिल सारे वक्त बीट करता रहता है, यानी कि धड़कता रहता है, एंड पम्प्स ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। और ब्लड को ब्लड की धमनियों में पंप करता है। द ब्लड वेसल्स आर लाइक थिन पाइप्स, ब्लड वेसल्स पतली पाइप की तरह होती हैं, विच कैरी ब्लड अराउंड द बॉडी, जो ब्लड को पूरे बॉडी में लेके जाती हैं। द ब्लड कैरीज फूड ऑल ओवर द बॉडी, ब्लड खाने को लेके जाता है पूरे बॉडी में, थ्रू द ब्लड वेसल्स, ब्लड की धमनियों के माध्यम से। ब्लड इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ एन आयरन पिगमेंट हीमोग्लोबिन, ब्लड लाल होता है कलर में क्योंकि उसमें लोहे का एक पिगमेंट होता है, पदार्थ होता है, इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। इट अब्सॉर्ब्स ऑक्सीजन, पिगमेंट वो पदार्थ होता है जिसमें थोड़ा कलर होता है। इट अब्सॉर्ब्स ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को सोखता है, व्हेन ब्लड पासेस थ्रू द लंग्स, जब खून लंग्स में से पास होता है। गुड पोस्चर इज गुड हेल्थ, सही पोस्चर यानी कि सही तरीका अच्छी हेल्थ होती है। वी आर ए हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी टुडे, हम हेल्थ के बारे में कॉन्शियस यानी जानकार सोसाइटी हैं आज। एंड गुड पोस्चर इज़ ए पार्ट ऑफ इट, और गुड पोस्चर यानी कि सही तरह से बैठना उठना, सही स्टाइल में बैठना या उठना, वो पोस्चर होता है, वो एक इस अच्छी हेल्थ का पार्ट है। बिकॉज गुड पोस्चर मीन्स योर बोन्स आर प्रॉपरली अलाइंड, क्योंकि अच्छी पोस्चर का मतलब है कि आपकी जो हड्डियां हैं ये उपयुक्त मात्रा में या सही मात्रा में, उचित मात्रा में, उचित तरीके से अलाइंड हैं, यानी डायरेक्शन में हैं, दिशा में हैं। एंड योर मसल्स जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स, और आपकी जो मांसपेशियाँ हैं, आपके जो जोड़ हैं, और जो आपके मोटी मांसपेशियाँ लिगामेंट्स, दे कैन वर्क एज नेचर इंटेंडेड, वो काम कर सकते हैं जैसे कि प्रकृति ने माना था कि उनको करना चाहिए। इट मीन्स योर वाइटल ऑर्गन्स आर इन द राइट पोजिशन, और इसका मतलब ये है कि आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, वो सही पोजिशन में हैं, एंड कैन फंक्शन एट पीक एफिशिएंसी, और वो सबसे ऊंची एफिशिएंसी पे यानी उत्पादकता पे कार्य कर सकते हैं। गुड पोस्चर हेल्प्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, अच्छा पोस्चर मदद करता है कि नर्वस सिस्टम के, नर्व्स के सिस्टम की नॉर्मल साधारण फंक्शनिंग के लिए, काम करने के लिए। विदाउट गुड पोस्चर, गुड पोस्चर के बिना योर ओवरऑल हेल्थ, आपकी कुल मिला के जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, एंड टोटल एफिशिएंसी में भी कॉम्प्रोमाइज्ड, और आपकी कुल मिला के जो एफिशिएंसी है यानी जितने उत्पादकता से आप काम कर सकते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, यानी उसके साथ समझौता हो सकता है। इन मोस्ट केसेस पुअर पोस्चर रिजल्ट्स फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स, ज़्यादातर केसेस में खराब पोस्चर परिणाम होता है कई फैक्टर्स, कई कारणों के कॉम्बिनेशन का, मिलान का, विच कैन इंक्लूड, और जिसमें शामिल हो सकते हैं एक्सीडेंट्स, इंजरीज एंड फॉल्स, एक्सीडेंट हो जाना, चोट लग जाना और गिर जाना, पुअर स्लीप सपोर्ट मैट्रेस, सोते वक्त जो है प्रॉपर सहारा ना होना यानी गद्दा ना होना, एक्सेसिव वेट, ज़्यादा वेट का होना, विजुअल और इमोशनल डिफ़िकल्टीज़, देखने में या भावनात्मक मुश्किलें होना, फुट प्रॉब्लम्स और इम्प्रॉपर शूज़, पैर में प्रॉब्लम होना या कि गलत टाइप के अनुपयुक्त का जूते, वीक मसल्स, मसल इम्बैलेंस, ऐसी मांसपेशियाँ जो कमज़ोर हैं और जो आपस में बैलेंस नहीं है, केयरलेस सिटिंग, बेपरवाह के बैठना, स्टैंडिंग खड़े होना, और स्लीपिंग हैबिट्स, सोने की आदत, बेपरवाह सोने की आदत, नेगेटिव सेल्फ इमेज, अपने बारे में नेगेटिव नकारात्मक सोच, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, काम करने में जो दिमाग में स्ट्रेस पैदा हो जाता है बॉडी में, पुअरली डिज़ाइंड वर्क स्पेस, और ख़राब ढंग से डिज़ाइंड अगर आपके वर्क स्पेस है जहाँ आप कार्य करते हैं, ये सब कारण है कि खराब पोस्चर इससे हो सकता है और उससे हेल्थ में मुश्किल हो सकती है।